जय हिंद दोस्तों। आज 16 सितंबर सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे, राहुल गांधी ने ओआरओपी पर जो बात कही है वो आधी अधूरी जानकारी के बाद कही है। उसके बाद वो ट्रोल हो गए। उन्होंने कहा है जवान लड़ते हैं और उन्हें ओआरओपी कम मिली, अफसरों को ज्यादा मिली। ओआरओपी देना संभव नहीं, कांग्रेस ने किया है दावा। बता दें, मेरा बेटा देश के लिए कुर्बान, आज रोऊंगी नहीं। शहीद मां की मां ने यह कहा। 20 सितंबर पूर्व सैनिकों के संसद भवन घेराव पर लग गई रोक। सेना में सीधी जेसीओ की एंट्री शुरू। आर्मी हेडक्वार्टर से आदेश आ चुके हैं। वन रक्षक वाइल्ड लाइफ गार्ड की भर्ती निकली हुई है, इस पर बड़ी अपडेट है। एक कोर्ट का भी फैसला है, उस पर बात करेंगे। तो ये सारी खबरें अभी कम समय में कवर करेंगे। सबसे पहले पहली खबर से बात कर लेते हैं। राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों के साथ एक मीटिंग की थी, जो कि ये मीटिंग हुई थी लद्दाख में। इसके बाद इन्होंने इसमें कहा था कि जेसीओ ओआर लड़ते हैं और अफसर ने ओआरओपी का पूरा फायदा ले लिया, जवानों को नहीं मिला। इसमें जो इन्होंने बात कही थी ये इनको पूरी नॉलेज नहीं थी। इसके बाद इन्होंने ये बात कही और कई लोग इसको ट्रोल करने लगे, कहने लगे ये देखो सेना को अलग बांट रहे, अफसर में अलग और जेसीओ में अलग कर दे रहे, जवान में अलग कर दे रहे। तो ये ट्रोल होने की वजह यही रही कि इनको असली जानकारी इन्होंने नहीं जुटाई कि क्या रीजन है जो जवान नाराज हैं। जवान अपनी बात मांग रहे हैं, कुछ जवानों की शिकायत है। क्या शिकायत है पूरी बात ना समझ के बीच में ही इन्होंने अपनी बात रख दी, उसके बाद ये ट्रोल हो गए। हालांकि कई लोगों का कहना है कि जवान की जो बात राहुल गांधी ने रखी बिल्कुल सही रखी है, इनको पूरी जानकारी ना होने की वजह से ऐसा इन्होंने कहा है। आप इनका पूरा वीडियो आप देख सकते हैं, इसका मैं लिंक डिस्कशन में दे दूंगा। दूसरी बड़ी अपडेट है, वन रैंक वन पेंशन की मांग संभव नहीं। ये कहा था 2010 में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय उनके रक्षा मंत्री ने कहा था कि 22 नवंबर 2010 को कहा था वन रैंक वन पेंशन की मांग संभव नहीं है, सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन देना संभव नहीं है। उस समय के रक्षा मंत्री थे एके एंटनी साहब और उन्होंने ये बात कही थी। ओआरओपी की स्वीकृत देने से पहले ये बात कही गई थी कि वन रैंक वन पेंशन देना संभव इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कई तरह की ऐसी दिक्कतें हैं जिसको दूर नहीं किया जा सकता है। तो लोगों को यह भी समझना चाहिए, जो सरकार वन रैंक वन पेंशन को असंभव बता रही थी, अब उसको पीएम मोदी ने दिया। हालांकि उसमें कई विसंगतियां ऐसी हैं जिसमें जवान अभी तक नाराज हैं, लेकिन दिया है पीएम मोदी ने, तो इतना भरोसा जरूर करना चाहिए कि जो सरकार कह रही थी कि वन रैंक वन पेंशन असंभव है और जिस सरकार ने दिया है तो उसमें ये फर्क समझ में आना चाहिए। दूसरी बड़ी अपडेट है, एक सशस्त्र बल न्यायाधिकरण यानी कि एफटी का एक फैसला जो कर्नल साहब को नहीं पसंद आया और उन्होंने कहा है कि एफटी सरकार के नियंत्रण में है, पूर्ण तरह से स्वतंत्र नहीं है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है। एफटी के फैसले रक्षा मंत्रालय के दबाव में होते हैं। ये कर्नल साहब थे जो इनको प्रमोशन होना था, ब्रिगेडियर बनना था और इसके बाद इनके दूसरे अफसर को ब्रिगेडियर बना दिया था। इसके बाद इन्होंने एक केस दायर किया और सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि सरकार के नियंत्रण में एएफटी है जिसकी वजह से हमारे केस में ऐसा हुआ है। दूसरी बड़ी अपडेट है, मेरा बेटा देश पर कुर्बान हुआ, आज मैं रोऊंगी नहीं। अनंतनाग में शहीद हुए मेजर आशीष की मां ने कहा है। बता दें, उनके यहां जब शव आया उसके बाद जो शहीद जवान थे उनके पास जब शव आया, उनकी मां ने कहा कि आज मैं रोऊंगी नहीं, मेरा बेटा देश के लिए कुर्बान हुआ है। दूसरी बड़ी अपडेट है, बता दें कि कर्नल साहब जो शहीद हुए 19 RR के, उनके बेटे ने ड्रेस पहनकर उनको सलामी दी। और वहीं पाक से क्रिकेट के रिश्ते तोड़े, ये जनरल वीके सिंह साहब ने कहा है कि पाकिस्तान से क्रिकेट के रिश्ते तोड़े, एक तरफ आतंकवाद दूसरी तरफ क्रिकेट नहीं हो सकता है। एक सैनिक भी शहीद हुआ है, बता दें राइफलमैन रवि कुमार शहीद हुआ है। उनकी शादी कुछ ही दिन में होनी थी, 3 महीने के बाद जिनके साथ उनकी शादी होनी थी, वो जो लड़की थी उसने कहा कि अब मैं पूरी जिंदगी इस शहीद के माँ के पास रहना चाहती हूँ, मेरी शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, मैं इनका बेटा बनकर रहना चाहती हूँ। यानी कि शादी से शादी भी नहीं हुई थी और वो लड़की
उस सैनिक के घर में रहना चाहती है जिसके साथ में उसकी शादी हो रही थी। दूसरी बड़ी अपडेट है, बता दें एक लेटर जारी हुआ है ओआरओपी की विसंगतियों को दूर करने के लिए। जंतर मंतर पर 20 तारीख को धरना दिया जा रहा है और इस दिन संसद भवन का घेराव करने का प्लान था और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने एक लेटर जारी कर दिया है और इस लेटर में कहा है कि दिल्ली में धारा 144 लागू है सिर्फ जंतर मंतर को छोड़कर, यानी कि जंतर मंतर के अलावा आप कहीं भी दूसरी जगह प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसकी परमिशन नहीं है। अगर आपने ऐसा किया, संसद भवन का घेराव किया, तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। दूसरी बड़ी अपडेट है, इसमें यह भी कहा गया है कि चाहे FIR करें या फिर लाठी चार्ज करें, सैनिकों का कहना है कि हम संसद भवन का घेराव करेंगे। दूसरी बड़ी अपडेट है, जेसीओ की डायरेक्ट एंट्री होगी, अब अग्निवीर से डायरेक्ट जेसीओ बन सकेंगे। ये सरकार ने एक लेटर जारी किया था 18 जुलाई 2023 का लेटर है, जिसमें यह कहा गया था अग्निवीर को डायरेक्ट एंट्री दी जाएगी जेसीओ के लिए। ये आर्मर्ड फोर्स से ऐसे सुझाव मांगे गए थे, प्रपोजल दिया गया था, उसके बाद आर्मर्ड फोर्स ने भी लेटर जारी कर दिया है। बता दें आर्मी एजुकेशन ब्रांच ने यह लेटर जारी किया है 20 जुलाई 2023 को और इसमें कहा है कि डायरेक्ट एंट्री के लिए आर्मी ने भी तैयारी कर ली है कि अब डायरेक्ट एंट्री जेसीओ की हुआ करेगी, यानी कि अग्निवीर डायरेक्ट जेसीओ बन जाएंगे, जिससे कि यह फायदा रहेगा कि अग्निवीर को जो 25% तो परमानेंट हो जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो डायरेक्ट जेसीओ बन जाएंगे। ये लेटर जारी हुआ है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको मिल जाएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट है, फॉरेस्ट गार्ड वन विभाग की भर्ती यूपी में निकली हुई है। 709 पद हैं, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5% रिजर्वेशन है। 12th पास इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक्स सर्विसमैन भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 62,700 रुपए मिलेगी और यूपी SSSC पेट जिसने किया है वही इसके लिए एलिजिबल है। 2022 का पेट जिसने दिया है वही इसमें फॉर्म भर सकता है। ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें। थैंक यू, जय हिंद।